महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी, राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डेप्यूटी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ठाणे लोकसभा क्षेत्र के तहत एरोली और बेलापुर विधानसभा के सुपर वॉरियर्स की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महायुति की महाविजय और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया है। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की भेदभावपूर्वक सोच को पनपने से रोकने के लिए और दुनिया में भारत का परचम जो है वो लहराता रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। पीएम मोदी आज देश के लिए जरूरी है, जिससे कि पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा जवाब दिया जा सके। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि आज देश पूरी तरह से मोदीमय हो चुका है और इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होना तय दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच है। वहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बाला साहेब की विरासत को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज वो कांग्रेस और शरद पवार के रंग में रंग कर अपने पुत्र का राजनीतिक भविष्य बचाने की जुगत कर रहे हैं। उनका ये दाव भी काम आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के दौर में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल, आदित्य और सुप्रिया के लिए कोई जगह नहीं बची है। उधर शरद पवार के मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं चुनने की अपील को हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जनता उन्हें खारिज करके राजनीतिक वनवास पर भेज देगी। इस दौरान मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है। बता दें कि इस बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय सहस्रबुद्धे, गणेश नाइक, सांसद संजीव नाइक, विधायक संजय केलकर, विधायक मंदा म्हात्रे, संगठन मंत्री हेमंत म्हात्रे, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा, विधानसभा प्रभारी सागर नाइक, विधानसभा प्रभारी नीलेश म्हात्रे और जिलाध्यक्ष संदीप नाइक समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे।